शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का शीर्षक है समय का महत्व। एक बार एक नौजवान अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गया। महाविद्यालय के पास ही उसको रहने का स्थान था। विद्यालय का टाइम था सुबह 8 बजे का। युवक तैयार हो रहा था तो उसको तैयार होने में देरी हो गई, 8 वहीं बज गए और उसके बाद भी वो छात्र आराम से विद्यालय में जाने लगा। जब वो विद्यालय में पहुंचा तो देखा क्लास में सब छात्र पहुंच गए, शिक्षक भी पहुंच गया है। उसने शिक्षक को अंदर आने के लिए पूछा। शिक्षक ने उसको बैठने की अनुमति तो दे दी परंतु फिर कहा कि पांडे जी आप समय पर नहीं आए, देर से आए हो। फिर दूसरे दिन उस छात्र को फिर से देरी हो गई और फिर वो लेट ही गया। दूसरे दिन भी शिक्षक ने उसको कहा कि पांडे जी आप क्लास में बहुत लेट आ रहे हो। पांडे को थोड़ा तो शर्म आया, संकोच हुआ, लज्जित हुआ। तीसरे दिन उसने क्या किया, बहुत जल्दी तैयार हो गया, सोचा मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं। तो वो 7:45 बजे अपने विद्यालय में पहुंच गया। देखा चपरासी भी नहीं था, कोई छात्र भी नहीं था, शिक्षक भी नहीं आया था। जब 8 में 1-2 मिनट पड़ा था तो चपरासी भी आ गया, विद्यार्थी भी आ गए, शिक्षक भी आ गया, सभी बैठे क्लास में। शिक्षक ने उनको उस दिन कहा कि पांडे जी आपको समय का ध्यान नहीं रहता है। तो उसको बड़ा वंडर लगा क्योंकि वो तो बहुत खुश था कि आज मैं बहुत समय के पहले आ गया। तो उसने तुरंत शिक्षक को कहा कि आज तो मैं बहुत जल्दी आ गया हूं, आज तो मैं 15 मिनट पहले आया। तो शिक्षक ने कहा कि क्लास में 2-4 मिनट लेट आना भी ठीक नहीं, परंतु 15 मिनट पहले आना भी तो योग्य नहीं। आपके पास जो समय था उस समय के दरमियान आप कुछ लेसनों का, पढ़ाई का अध्ययन कर सकते थे, वो आपका वेस्ट गया। कहने का तात्पर्य यही है कि जिनों को समय की वैल्यू होती है वही वैल्यूएबल बनते हैं। हमारे जीवन का एक एक सेकंड व्यर्थ न जाए इसका हमें बहुत ही ध्यान देना है। और अगर हर सेकंड कार्य करते हुए हम प्रभु की याद में भी रहते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है, वो कार्य हमारा और भी अच्छा एक्यूरेट होता है। तो हमेशा समय का पूरा ध्यान दें और उनको सफल करें। ओम शांति।